इस तरह यहाँ तो घास ले गया। चलो सर आगे सर सिग्नल आगे बताएं। आगे कहाँ पर? सर यहीं पर है सर। यहाँ कहाँ पर? सर 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 लेफ्ट में। लेफ्ट में? हाँ सर सर लेफ्ट में सर इस तरफ। किस तरह? सर आगे कहाँ? सर इस तरह। सर आगे आगे है। आगे है तो है कहाँ वो? सर इस तरफ। किस तरफ? सर इस तरफ। किस तरफ? कहाँ पर ये? सर आगे आगे सर आगे तो पानी है। कहीं इसमें मोबाइल फोन पानी में निकल गया? यह कहीं आसपास होना चाहिए। बच के जाएगा नहीं वो, मेरे हाथ से नहीं बचेगा वो। हाँ सर, सर सिग्नल यहाँ पर भी आ रहा है। चलो
गिरीश बार बार दो ही लोगों को फोन कर रहा था, एक मदन और दूसरा प्रकाश को। और सर प्रकाश से तो मोबाइल कंपनी भी नाराज है सर, उसका नाम पता सब कुछ नकली। सर सर प्रकाश का फोन यही था, यही था। उसके बाद ही फोन बंद हुआ ना? जी सर। सर जब प्रकाश का फोन यहाँ पे था तो वो भी यही होगा सर? होना तो चाहिए। पूछो सर आसपास। जी सर। आप पूछो सर। ताई, ताई के बगैर ताई, ताई। अरे कल भी मेले मुड़ गया। मतलब क्या विचार करो? अरे मत। मत डोका खाओ लोगों। बात इग्नोर। सर वो मैं सर पूछ ही रहा था। नहीं कोई बात नहीं। कभी-कभी होता है सीआईडी में से। सर मैं ट्राई करके देखूं। जरा पूछो। मौसी यहाँ ना बगीचा का है। अरे मौसी बगा तो मगर सर वो जरूर कुछ गड़बड़ करने आया होगा, फिर अपना फोन बंद करके भाग गए। मुझे लगता है कि पानी में फोन फेंक के वो बच जाएगा, मगर ये उसकी गलत फहमी है। उसके गर्दन पे लिखा हुआ है कि दया का ये हाथ बहुत जल्द उस पर पड़ने वाला है। फोन पानी में फेंकने के बाद वो सीधे यहाँ प्रकाश से मिलने आया होगा, वो यहीं कहीं छुप के बैठा होगा। सर यहाँ आइए। ये गिरीश आखिर गया कहाँ? इस नदी में तो नहीं है कुछ? आगे ले आओ, आगे ले आओ जल्दी। हेलो इसे जला फैलाओ। चलो लेके अंदर चलो। खींचो 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 इसे, आगे बढ़ो। ये
तो गिरीश है। गिरीश मर गया। Oh my God। हाँ सर ये गिरीश है। सीआईडी के ऊपर फायरिंग। मालूम नहीं, यहाँ पे एक लाश पड़ी है और तेरे को मालूम नहीं, उसके ऊपर तुमने हम लोगों पे गोली चलाई। नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। क्यों मारा गिरीश को? हम तो बोला था लाश को छुपा दो, बस उतना किया हमने। किसी ने बोला तुझे लाश छुपाने के लिए? तुमने छुपा दिया? हाँ उतना किया साहब। किसने बोला था बोल? किसने बोला था? बोल। बाद में टेम्पो में दिखा दे रहा था। टेम्पो? कौन टेम्पो? टेम्पो। पैसे कहाँ से आते? दोस्त है ना। कौन दोस्त? गिरीश है। गिरीश तुम्हारा दोस्त है? हाँ गिरीश दोस्त है मेरा। गिरीश मर गया है। गिरीश मर गया? हाँ गिरीश मर गया। गिरीश मर गया। हाँ किसी ने उसका खून कर दिया। गिरीश का खून कर दिया? अब मेरा खर्चा कौन चलाएगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? किसने किया गिरीश का खून? तूने पैसे दिए थे? मैं? हाँ गिरीश तो खुद मुझको पैसे देते। तुझे गिरीश ने पैसे दिए? हाँ कि जा मेरा खून करवा दे। गिरीश ने तुझे पैसे दिए खुद को मरवाने के लिए? क्या मालूम सर। ये गिरीश के पास पैसे कहाँ से आते थे? पैसे पेड़ से टपकते। पेड़ से? पेड़ हंसता है? पैसे टपकते। सुना बच्चे, पेड़ हंसता है और पैसे टपकते हैं। हाँ सर लगता है काफी चढ़ गई। सर कहाँ है ये पेड़? अरे अरे ओए
इतना फास्ट गाड़ी चलाता है, बाल भी खराब हो गए। यहाँ पे पेड़ हंसता है, यहाँ पे हंसता है पेड़। भैया तो मैं पेड़ के हंसने की कोई आवाज नहीं आ रही। जानवर बुलाने से ये तो तबाह हो गया। पेड़ आज भी हंस रहा, पेड़ मिल गया, पेड़ मिल गया, पेड़ मिल गया, पेड़ मिल गया, पेड़ हंस रहा, पेड़ आज भी हंस रहा, पेड़ हंस रहा। ये तो वाकई हंस रहा है सर। जब जब ये पेड़ हंसता है, बहुत पैसे टपकते हैं। अब ये पेड़ हंस रहा है तो पैसे कहाँ हैं? थैंक यू फॉर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी आता था, मैं यहाँ पे आता हूँ, उस आदमी से बैग लेता हूँ और गिरीश को देता हूँ। गिरीश को देता। ओ, तो ये चक्कर है, कोई गिरीश के लिए पैसे लाता है, वो पैसे टेम्पो लेता है और ले जाकर सर गिरीश को देता। हाँ, फिर हंसता है, पैसे गिरीश को मिलते हैं, मुझे कोई कुछ नहीं देता, मुझे कोई कुछ नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। हाँ, गला बहुत शुक्र है, आप थोड़ी मिले? मिले। पिछले हफ्ते गिरीश यहाँ पे आया था, मुझे लेके बोला बहुत पैसे टपकने वाले, उसके बाद फिर दिखाई नहीं। मेरे को देना पैसे, मेरे को देना पैसे, मुझे भी पैसे चाहिए, मेरे को भी पैसे चाहिए, मेरे को भी पैसे देना। कोई गिरीश के लिए बार बार पैसे लेके आता था तो जरूर उसे किसी ने किसी ने देखा ही होगा। ऐसा ड्रामा छुपेगा नहीं। तो सामने वो जो मंदिर है वहाँ लोग तो आते जाते होंगे ना? चलो देखते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। पूजा हो गई? होना रे, आज नवमी है ना, आज बरेच लोग येणार आहेत पूजेसाठी। अच्छा दादा, एक विचारायचं होतं। हाँ। वो जो आदमी है झाड़ के नीचे, वो हमेशा आता है यहाँ पे? हाँ हाँ, वो शराबी। हाँ? वो तो अक्सर यहाँ आता रहता है। और ये? हाँ हाँ, ये भी, ये तो बदमाश लोग है दोनों। हाँ, ये इसका तो लपड़ा भी हो चुका है। ये मदन? एक मदन है क्या इसका नाम? हाँ, क्या हुआ इसके साथ? ये पेड़ के पास खड़ा था और दो लोग आए तो उसको उठा के लेके गए, फिर इसके बाद ये आया। ये गिरीश? हाँ, ये तो मैंने उसको बता दिया कि तेरे दोस्त को ऐसे दो लोग उठा के लेके गए। तो फिर इसने क्या किया? क्या नहीं, फिर डर के मारे भाग गया। अच्छा, वो दो लोग जो थे जो मदन को लेकर गए, उन्हें जानते हैं? मैं नहीं जानता, मेरे क्या मालूम, मैं तो यहाँ का पुजारी हूँ। सिर्फ इतना मालूम है कि वो लोग दाढ़ी वाले थे। दाढ़ी वाले? सचिन जरा फोटो देना। वो दाढ़ी वाले ये हैं क्या? हाँ हाँ, यही थे वो। थैंक यू, थैंक्स। ये दोनों मदन को यहाँ से उठा के लेकर गए, क्यों? सर, मदन गायब है और गिरीश मदन का दोस्त है। और ये गिरीश तुवाड़ा में काम करता था और तुवाड़े में हमें एक लाश मिली। सर, कहीं वो लाश मदन की तो नहीं? अब वो तो ये दो दाढ़ी वाले ही बता पाएंगे।
जल्द से जल्द इन्हें ढूंढना होगा। विश्वास ही नहीं हुआ जब तुमने फोन करके बताया कि तुम हॉस्पिटल से भाग आए। अरे भाग के नहीं आया हूँ यार, मैं ठीक हो गया था तो वहाँ क्या करूँगा, चला आया। वाह वाह क्या बात है, बहुत जल्दी ठीक हो गए। 700-800 फीट से नीचे गिरे थे तुम झरने में, याद है ना? अभी जी थोड़े दिनों के लिए हॉस्पिटल में आराम नहीं कर सकते? अरे यार कितना आराम करूँ, बड़े बड़े बोर हो गया था यार। बोर हो गए तो तुम हॉस्पिटल से भाग जाओगे? अरे तो और तो क्या हा? यार तुमसे जीतना मुश्किल है। अच्छा यार ये तो बताओ कि अभी तक हुआ क्या? एक हंसता हुआ पेड़ मिला है। हंसता हुआ पेड़? हाँ हंसता हुआ पेड़। उसके पास एक मंदिर है, मंदिर के पुजारी ने बताया कि दो आदमियों ने इस मदन को किडनैप किया है। मगर ये मदन वहां करने क्या गया था? सर उस हंसते हुए पेड़ के पास हर थोड़े दिन कोई मदन और गिरीश को पैसे देने के लिए आता। लेकिन ये मदन और गिरीश ये लोग तो बदमाश तुच्छे लोग हैं, इनको कोई पैसा क्यों देगा? ब्लैकमेल के लिए और क्या, दोनों को किसी राज के बारे में कुछ पता चला होगा इसलिए ब्लैकमेल करते। फिर ये पता कैसे लगाएंगे कि वो राज क्या? जी वही है ना? मैं ठीक, थैंक्स, आई एम ओके। तुमसे कहा था मैंने हॉस्पिटल में रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं मगर तुम मानते ही नहीं। क्या हुआ क्यों रो रहा है? वो आप मेरी वजह से नीचे गिरे और आपको चोट लगी। अगर आपको कुछ हो गया तो आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर। ऐसा मत सोचो निखिल, हम लोग तो दिन रात जान जोखिम में डालते रहते हैं। एक तो एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, परेशान मत हो। हाँ हाँ तुम तो सुपरमैन हो ना? अरे नहीं दया यार, ये दया वया रहने दो, तुम हॉस्पिटल में जाओ और जब तक ठीक नहीं हो जाते वहीं रहना प्लीज। सर पहले आप ठीक तो हो जाइए। क्या हो क्या गया तुम लोगों को यार? सर आप बार बार फेंट हो रहे हैं। सर नहीं मैं ठीक हूँ। अभिजीत तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बिना मैं ये केस सॉल्व नहीं कर सकता? नहीं ऐसा कब कहा? नहीं कर सकता क्या मैं? नहीं नहीं ठीक है भाई, नाराज मत हो, मैं आराम कर लूंगा। लेकिन यार मुझे बताते रहना कि क्या हो रहा है। हमारा अगला कदम यही है कि इन दो दाढ़ी वालों को ढूंढना है। सब गोपाल दाढ़ी बढ़ा रखी है इन दोनों ने, ऐसा लगता है कि दाढ़ी संभालने में बहुत मेहनत लगी हो। हाँ सर, इन बदमाशों का आधा समय तो अपनी दाढ़ी कटवाने में चला जाता हुआ सर। हाँ और अगर घर में दाढ़ी नहीं कटवाते हैं तो बाहर कहीं हेयर कटिंग सैलून में जरूर जाते होंगे। हाँ सर, अगर नहीं कटवाएंगे तो पैर तक लटक जाएगी, तो कहीं ना कहीं जाके जरूर कटवाना पड़ता होगा। एक काम करो, तुम तीनों इस तरफ जाके एक एक सैलून में इन दोनों की फोटो दिखाओ, यहाँ देखते हैं। चलो सर। शायद 50 सैलून क्यों देखना पड़े, हम दोनों को ढूंढ भी रहेंगे। अरे लड़कियों के बाल यहाँ नहीं काटते। भाई साहब ये दो आदमी दाढ़ी कतरवाने के लिए यहीं पे आते हैं क्या, इसी सैलून में? ये हाँ जी हाँ, अरे इनके दाढ़ी का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। अच्छा हाँ, फिर तो आपके पास इनका नंबर भी होगा, फोन नंबर? अरे फोन नंबर रख के क्या करेंगे हाँ, अरे इतना दोस्ताना नहीं है, बहुत बदमाश लोग है ये। फिर भी कुछ तो मालूम होगा, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं, इनके यार दोस्त कौन है, किनके साथ उठना बैठना है, ये खाते पीते कहाँ पर है? हाँ रात का खाना वो चौपाटी पे खाते हैं। चौपाटी बोले तो वो राजवाड़े के सामने? वही राजवाड़े के सामने, उसी को चौपाटी बोलते हैं।
अरे यार एक मिनट नहीं करना दाढ़ी नहीं करना। क्या हुआ? अरे नहीं वो याद आया मेरे को आज गुरुवार है मैं दाढ़ी नहीं बनाता। थैंक यू सो मच। पैसे नहीं ठीक है सर यहाँ थोड़ी बाकी रह गई है। थैंक्स चलो पैसे भी देख के चला गया। बात नहीं करूंगी तुझसे कल से। हल्का एक शो देख ले उसका तुम मिलना। शो देख ले। जेवन छान होता कितने साल अपने 70 रुपए जाने जाओ 70 बगीचे लगा यार अपन को इसको देखा है क्या? हाँ सर देखा है। वो आगे वाला सही वाला नंबर है आप दे साले आते जाते रहते हैं। थैंक यू सुटे ठेवा इतना सर। थैंक्स थैंक्स अरे भाऊ जरा ये फोटो देखो ये आदमी यहाँ पे आता है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे? सीआईडी से आता है। हर रोज आता है? नहीं सर दो चार दिन में एक बार आते लेकिन बहुत देर से आते और बहुत तर रहते हैं दारू पीते। सर उसके साथ जो एक आदमी आता है वो पीछे बैठा है। तो विषय? हाँ सर पूछा। तुझा थोबाड़ आवडला मला। कुठे आया? ये कोण रे? मला कुठे ए कानाखाली आवाज काढू का? कानाखाली मी आवाज काढू का? काय कैसे बजाएगा? काना खाली वाजवणार तू? हा फिर से बोल। कान की आवाज निकालेगा तू? जब तुझसे सवाल पूछा गया तो सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकता था? बता दो सब वो दोनों लोग बहुत बदमाश लोग हैं साहब। अच्छा तू बड़ा सीधा से आदमी है दूध का धुला है तू? नहीं साहब साहब मुझे बहुत डर लगता है साहब। चाकू मेरे को मार देते हैं साहब। तो फिर उन लोगों के साथ घूमता क्यों? तो मजबूरी साहब मेरी मजबूरी है। वो लोग मुझसे बहुत पैसे निकालते हैं। कहाँ मिलेंगे वो दोनों? कुछ पता नहीं इधर उधर भटकते रहते हैं साहब। देख तो मेरे वो कहानी मत सुना समझा? मुझे वो दोनों चाहिए और अभी क्या भी। ऐसे नहीं मानेगा हाँ तो ऐसे नहीं मानेगा। बल 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 वो हर दूसरे तीसरे दिन लावणी देखने आते हैं। वो कोल्हापुर का ग्रुप है ना लावणी मिक्स मसाला उनका ग्रुप। चल तुझे भी लावणी दिखा चल। क्या रे क्या चाहिए तेरे को? मैं दो नई लड़कियां लेकर आया हूँ। अच्छा
देखोगी तो बेहोश हो जाओगी। अच्छा इतनी खूबसूरत है? अप्सरा है अप्सरा। है, तुझे तो हर लड़की अप्सरा लगती है। डांस सिखा उनको। कितने खून किए थे? हाँ? गोली, गोली मार दी मुझे। कितना दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? गोली नहीं तो क्या? तेरे गले में माला डाले हैं? बोल। कितने खून किए? सब, सब क्यों फंसा रहे हो? क्यों फंसा रहे हो हमें सब? सब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने। फंसा रहे? कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया सब। क्यों? सब। हाँ? कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? एक को देख लूंगा। अच्छा एक एक को देख लेगा तू? जितना पूछा जाए उसका जवाब मिलना चाहिए, समझा? बट बट किसने का फोन किया? हाँ मदन को मारा है साहब, मदन को। गिरीश, गिरीश को भी मारा है सर। गिरीश, बस बोल तो दिया एक बार। अब बोल दिया? शशांक को भी मारा है। उसपे हमने देख लिया था सब, इसलिए उसको मारना पड़ा। अच्छा क्यों मारा इन तीनों को? उन तीनों ने बोला था सब। कौन तीन? वो तीन नाम क्या उन तीनों का? पुनित और समीर। वो तो ना बिजनेस में सर, वो तो वहां पे भी थे जो वहां खड़े थे।
तीसरा कौन? नहीं, वो बहुत बड़े लोग हैं साहब, हम उनका नाम नहीं ले सकते साहब, नहीं ले सकते। बहुत बड़े लोग हैं? अरे भाई साहब, सुनिए जरा, घर खाली है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग चले गए साहब। सब लोग? कुमुदिनी जी, जोगेश्वर जी, उनके बेटे, बहू और बिजनेस पार्टनर सब? जी साहब, सब लोग चले गए। कहाँ गए? और अचानक क्यों? पता नहीं साहब। पर गए कहाँ? पक्का तो नहीं मालूम साहब, लेकिन भाई साहब लगता है ठोसे कर गई है। कुमुदिनी जी ठोसे कर गई है? हाँ साहब, शायद ठोसे कर। चलो। मारो मारो, आगे मत जाइए, वहाँ लाश बहुत पड़ी है। ये हाथ है हथौड़ा? ये क्या मार दिया आपने? मैं लाश को गले लगाने नहीं आई हूँ। चुपचाप नाक पे रुमाल बांध और काम पे लग जा, चल। नहीं करूंगा, तुम्हारे ऑर्डर्स अब और नहीं सुनूंगा मैं। हाँ ए समीर की, तुम चुपचाप वो रिकॉर्डिंग ढूंढ। तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे फंसा के तुम लोग बच जाओगे? खून तो तुम लोगों ने ही किया है ना। खून करने को कहा किसने था? तूने कहा था ना? तमीज से बात करो। बाहर में गई तमीज वमीज, फंसा दिया हम लोगों को। वो गिरीश तेरा ही नौकर था ना? तो फिर जब मैंने उसे कहा कि कुमुदिनी ने कहा है कि उसके सौतेले बेटे का खून करना है, तब उसने हमारी बात रिकॉर्ड कर ली। और तू बचेगी नहीं, तेरा भी नाम है उसमें। चुपचाप वो रिकॉर्डिंग ढूंढो। मदन के एक जूते में अगर वो चाबी है तो दूसरे जूते में जरूर वो रिकॉर्डिंग की चिप होगी। चलो चलो ढूंढो, चलो ढूंढो, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। तू तैयार है? इस मैडम को यही मार देते हैं, हैं? पानी में फेंक देंगे। तू पिस्तौल छीन, मैं गला दबाता हूँ उसका। मैडम जूता नहीं है। हाँ? तो फिर कहाँ है जूता? अरे जूता यहाँ है। कौन बोला? जूता बोला क्या? जूता यहाँ है, यहाँ जूता यहाँ है। मैं एक एक को गोली से उड़ा दूंगी। गोली मार दी हाथ में। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे? मुझे मेरे हस्बैंड ने धोखा दिया। सारी की सारी जायदाद मेरे सौतेले बेटे को दे दी। मुझे और मेरे बेटे को सिर्फ एक छोटा सा फ्लैट, बस। मैं और मेरा बेटा भिखारी बनने वाले थे, भिखारी। किसने हमें कहा कि मेरे सौतेले बेटे को मरवा दो? इसलिए मदन और गिरीश को मैंने पैसे दिए, मगर खून करने के बाद वो हम लोगों को ब्लैकमेल करने लगे। तो
आपने मदन और किरीश दोनों को मरवा दिया। उस फोटोग्राफर शशांक ने मदन का खून होते हुए देख लिया था। इन दोनों की बेवकूफी की वजह से मैं फंस गई। उस गिरीश ने मेरे सौतेले बेटे की लाश हमारे ही तहखाने में रख दी। वो फोटोग्राफर शशांक हीरो है, हीरो। उसने जान दे दी लेकिन खूनियों को पकड़वा दिया। उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। चार चार खून किए तुम लोगों ने, सबको फांसी होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।